दसवें विराट नगरी है यहाँ पर, और यहाँ यहीं पर किंचिक वध हुआ था, जो हम आपको कभी दिखाएंगे चल के। यहाँ से कुछ दूरी पर है और ये सब पूजा पाठ करने वाले लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, और यहाँ कहते हैं कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये दोस्तों यहाँ पर हर अमावस्या को मेला लगता है, और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ पर सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सिरों का भंडारा का आयोजन यहाँ पर होता है। ये फूल पत्ती हैं, और दोस्तों हम आपको अगर श्री गौरी शंकर बाबा, फिलहाल अंदर तो बहुत भीड़ है लेकिन हम बाहर से ही आपको वहां दर्शन कराएंगे। किसी दिन एक नए ब्लॉग में हम आपको अंदर भी चल के दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे गौरी शंकर बाबा के। गौरी शंकर बाबा का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर लोग बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ हवन कथा सुनते हैं। दोस्तों ये गौरी शंकर बाबा का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसे कहते हैं राजा विराट के समय पर ही बना था, बना हुआ होगा। लोगों का मानना है ऐसा, हम तो खैर लोगों से सुनते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हमारे ब्लॉग अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों देखिए यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है, यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें मांग कर आते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ कराते हैं। तीर का नजारा भी इस तरह से यहाँ पर है, ये बहुत प्राचीन काल का वट वृक्ष है जहाँ पर लोग इसे, हालांकि इसके अंदर एक मंदिर है, मंदिर के ऊपर से पूरा वृक्ष बना हुआ है। दोस्तों इतना पुराना है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही श्रद्धालु श्रद्धा से आते हैं। और यहाँ पर बालाजी हनुमान संकट मोचन श्री हनुमान जी का मंदिर भी है, पूर्वमुखी जो बहुत मान्यता है इसकी। दोस्तों हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इधर से तीर्थ का नज़ारा कुछ इस तरह से है दोस्तों, आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको कभी हम उस जगह भी ले चलेंगे जहां पर किंचिक वध हुआ था। कहते हैं लोग कि आज भी उसके कराहने की आवाजें उस कुएं से आती हैं, जिस कुएं में किंचिक वध करके दबाया गया था, भीम ने दबाया था। दोस्तों वहां भी हम ले चलेंगे किसी समय, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। दोस्तों आज महर्षि वाल्मीकि मंदिर यहाँ पर है दोस्तों, और यहाँ भी मान्यता है, हालांकि इस वक्त बंद रहता है कोरोना काल की वजह से, तब से कुछ बंद रहता है। और इधर से गौरी शंकर बाबा के किसी इस तरह से होते हैं दर्शन, और आप लोग भी यहाँ अमावस्या को आएं और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य के भागीदार बने। दोस्तों कैसे हैं आप सब?
दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो ब्लॉग आप कहां से देखना चाहेंगे इसके लिए भी जरूर बताएं और हम वहां पर बनाने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। देखिए आज मौनी अमावस्या का नज़ारा हम आपको विराट राजा विराट के राज में आपको हम दिखा रहे हैं। ये तीर्थ स्थल सूर्यकुंड तीर्थ राजा विराट की नगरी का है जो महाभारत प्राचीन से प्रचलित है। दोस्तों इसके हम नज़ारा और भी हम आगे आपको दिखाएंगे। दोस्तों मैं हूं विनय शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनय गुड लाइफ। दोस्तों आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या 11/2/2021 का ये ब्लॉग बनाकर आपको हम दे रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको सूर्यकुंड तीर्थ हरगांव की तरफ राजा विराट की नगरी कही जाती थी यहाँ पर, वो हम आपको आज लाइव दिखा रहे हैं। सूर्यकुंड तीर्थ का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ से। दोस्तों ये सामने गौरी शंकर बाबा का धाम है।